सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है 19th of August और आज भी देव के इंजेक्शन लगेगा, तो हम सुबह सुबह रेडी हैं। देख लो हम कितना रेडी हैं। बस अभी निकल रहे हैं। देव एक फ्रूट खा रहा है ताकि बाद में भूख ना लगे, वहाँ पे इंजेक्शन लगवाते वक्त बेहोश ना हो जाए। और हमें भी 2 केले दे दिए गए हैं खाने के, तो अभी निकलते हैं। अभी 7 बजे हैं ऑलमोस्ट, और अभी निकलते हैं। ये तो बोल रहा है कि चलते हैं एकेडमी और छोड़ दो इंजेक्शन, बाद में लगवा लेंगे। बाद में कब लगवा लेंगे? शाम को। भाई जाना जरूरी है अभी, शाम वाम को नहीं लगाते हो? उन्होंने टाइम दिया है भाई कि डेट पर लगवाना है, और डेट में तो किसी भी समय लगवा सकते हैं ना। वो बात तो सही कह रहा है। चल फिर आ जा एकेडमी। चल सो गाइस, देव एकेडमी आ चुका है, चेंज कर रहा है अभी वो, और अभी मैं भी चेंज करूंगा। सो गाइस, सीन्स कुछ ऐसे हैं, मतलब प्लान्स थोड़े से चेंज हो गए। हमने सोचा कि शाम को तो जाना नहीं है एकेडमी, अभी चले जाते हैं फाइट वाइट करके 8-8:30 बजे तक वापस घर पे, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल चले जाएंगे इंजेक्शन लगवाने। क्योंकि तूने उल्टी पहन लिया भाई ड्रेस। उल्टी ड्रेस पहन के बोल रहा है, ये लाइन जो आ रही है सिलाई की, वो So guys, हमारी फाइट हो चुकी है और बहुत ही दमदार फाइट हुई थी हमारी। हम हार गए एक फाइट में, बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगी हमारी। मजाक कर रहा है यार, इतनी बुरी तरीके से पिटाई लगी। चार पॉइंट से हार गया मैं बस। हटो हटो। और एक फाइट में जीत गया था, तो फिर उसी में हम घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये संजीत मोहिनी लड़कियों वाले पहनते हैं, लड़कियों से जीत के बहुत बड़ी खुशी मनाता है। आप तो लड़की से नहीं भाई, कुछ लड़कों से खेला कर, लड़कों से लड़के कम है क्या? अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने के लिए मेरे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी हॉस्पिटल, बस इंजेक्शन लगवाना है इसके और फिर घर जाना वापस। आज हम दूसरी साइड से आए थे। तो गाइस अभी लग गया देव के इंजेक्शन, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और देव की हालत देख लो थोड़ी सी। हाँ भाई, कैसा फील कर रहे हैं इंजेक्शन लगवाने? बहुत फूला फूला था। बहुत फूला फूला सा है, चेस्ट आ गया ना बाहर, हाथ पे इंजेक्शन लगते। आज भी इसके दोनों हाथों पे लगा आधा आधा इंजेक्शन, और थोड़ा थोड़ा सा फूल गया, वो पल्प जैसा हो गया। अच्छा अच्छा लग रहा होगा तेरे को ना इंजेक्शन लगा के। तो गाइज अभी इसके 2 इंजेक्शन और लेफ्ट हैं, मतलब एक लगेगा 23 तारीख को और एक लगेगा नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को। तो अभी तू रिलैक्स मत लियो, अभी 2 इंजेक्शन और लगने बाकी हैं इसके। तो मैंने तो ऑफिस में बोल दिया था कि अभी थोड़ा इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ देव के, तो मैं 11 बजे से रिज्यूम करूँगा वर्क, तो अभी जाके काम करेंगे। भूख भी लग रही है, जल्दी जल्दी घर पहुंचते, खाना वाना खाएंगे, तो मिलते हैं फिर। हाँ खिला रहा हूँ। तो भाई देव को लग रही थी भूख, देव बोल रहा भाई कुछ खिला दो, तो फिर अभी हम यहाँ ये पराठे वाले अंकल पे 2 रोल बनवा रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देना अंकल छोले और नींबू भी। मिर्च विर्च भी ले ले, place do I work hard or live in my pace you're only young once yeah that's all great but I also so bhai jab khana wana kha lete jab tak bhook lag rahi hai subah wahan ek hi paratha khaya tha bas do to mummy ne banayi hai dal aur dal khaas nahi lag rahi hai waise to aise hi kaam chala usi dal lag rahi hai khaas kya hoti hai mummy aapne dal khaas nahi banayi hai mama khaas hota kya hai ab
आज मतलब अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैं काम चला रहा हूँ, बेकार चीजों से ही मैं काम चला रहा हूँ। खाना रख दो ना, मिल रहा है ना, बेकार चीजों से ही मैं काम चला रहा। सो गाइस अभी नहा धो के हो गए रेडी, अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं शाम के और धूप पड़ रही है गजब की कड़क। आज जन्माष्टमी है, मतलब कल और आज दोनों थी, बट कल तो किसी ने बनाया नहीं, आज शायद शाम को बनेगी और तब जाएंगे हमारी गली में। वैसे हम जब छोटे थे इस टाइम पे तो हम गली में ही होते थे पूरे दिन, मतलब जन्माष्टमी के दिन गलियों में ही होते थे, कभी इधर से उधर सामान लाना, कभी चौक लाना, कभी कुछ लाना, पूरा प्रिपरेशन करना, मतलब जो भी सजाना वगैरह होता था। इस बबार तो मतलब इस बार क्या, मैंने 3-4 बार से तो मैंने छोड़ ही दिया जाना, कि मतलब मन नहीं करता जाके बनाने में वो सब डेकोरेशन वगैरह। और जो सारे साथ के थे वो सब बड़े हो गए तो सब कोई आता ही नहीं, तो अब जाते ही नहीं। अब जो छोटे बच्चे हैं वो जाते हैं, जैसे देव वगैरह जाएंगे अभी, और चंदा वंदा इकट्ठा कर लेते थे हम तो एक दिन पहले, इस बार तो सेम डे पे ही कर रहे हैं शायद सब। अभी तो कोई है भी नहीं गली में, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अरे इस बार तो स्टार्ट भी हो गया, वो जो गीला कर रखा ना वो स्पेस, जो भी वो इतना उस एरिया में बनाएंगे। आ गए हैं 3-4 छोटे मोटे। तू नहीं जाएगा देव? हैं क्यों, जाना चला जा। पहले ना पता है कॉम्पिटिशन हो रहे हैं हमारी गली का और बगल वाली गली का, किसकी मस्त है। बड़े बड़े दिया बनाते थे और मस्त मस्त बनाते थे, मतलब एकदम फुल डेकोरेट करके। हमारी भी खास खास ही होती थी, मतलब इतनी ज्यादा खास नहीं होती, ठीक ठाक ही होती, उनकी कुछ तगड़ी सी होती थी, मतलब वो ऐसा लगता था पूरा, मतलब वो ऐसे बना देते थे, मेट्रो वेट्रो चल रही है उनके वहाँ पे, महंगा सिस्टम करते थे। हमारा भी ठीक ठाक ही होता था, हमारी बोट चलती है, हमारी भी बोट चलती थी ऐसा नहीं। देखते हैं इस बार कैसा होगा इनका। कमर अगर बैठे बैठे कमर ही अकड़ जाते यार, ऐसे अकड़ जाते उनको, मतलब कि बस थोड़ा सा मुड़े और टूट जाएगी। दिन भर बैठ बैठ के यार पक गए। तो मैं अभी व्लॉग भी एडिट कर रहा था और काम भी कर रहा था ऑफिस का, क्योंकि कल स्किप हो गया व्लॉग डालना, तो आज आ जाएगा कल वाला जो ब्लॉग आना था, मतलब कल जो आना चाहिए था वो आज आ जाएगा। सॉरी फॉर लेट बट आ जाएगा। I want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no. दोबारा काम स्टार्ट करने से पहले एक चाय हो जाए तो क्या ही बात है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। Sipping in on Sundays, I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. बस थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बस मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है और एकेडमी में सजा रखा है फुल। हमने देखा सर का, सर ने स्टेटस लगाया है एकेडमी में, राधा कृष्णा बन रखे हैं बच्चे, तो हम जाएंगे अभी देखेंगे, चेकआउट मारेंगे कि क्या सीन चल रहा है एकेडमी के। सो गाइस हम एकेडमी पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पे, प्रिपरेशन तो चल रही थी, देखते हैं सीन्स। सर माला छोटी पड़ी, तो गाइज अभी हम आ चुके हैं घर पे एकेडमी से और
मम्मी बना रही है किचन में प्रसाद बना रही है मम्मी जन्माष्टमी का पंजीरी है। और ये आलू किसने उबाला? सब्जी बनाने के लिए। पूड़ी भी उसके साथ रोटी। अरे मम्मी अकेडमी में क्या था वहाँ खाने में क्या क्या दिया था मतलब पेप्सी और जलेबी कॉम्बिनेशन बनाया अलग ही पेप्सी और जलेबी ले आए थे जलेबी प्रसाद के लिए ले आए थे और पेप्सी पीने के लिए ले आए थे फिर वही बांट दी सब बच्चों में। अरे आ गया दही लेके गीला कैसे हो रहा है तू है Happy birthday, Parki! Yeah!